प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतगणना आज होगा, 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतगणना की जाएगी। 33 जिला परिषदों के लिए आज 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 295 पंचायत समिति के सदस्यों की किस्मत का फैसला आज किया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और समाचार प्लस पर नतीजों की महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। समाचार प्लस पर सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे सामने आएंगे, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और समाचार प्लस पर सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे सामने आएंगे। तो आज दिन भर समाचार प्लस आप तक पहुंचाएगा सबसे सटीक नतीजे सबसे पहले। 8 बजे ही ये मतगणना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए जो वोटिंग हुई उसी के लिए मतगणना की जाएगी। तो 33 जिला परिषदों के लिए मतगणना की जाएगी और 295 पंचायत समिति के सदस्यों की किस्मत का आज ही फैसला होगा। तो जनता जनार्दन ने ईवीएम में कैद कर दिया था किस्मत का फैसला और आज इसका खुलासा होगा मतगणना के बाद। तो समाचार प्लस पर सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे सामने आएंगे और पल पल की जानकारी समाचार प्लस आप तक पहुंचाएगा। सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 33 जिला परिषदों के लिए मतगणना की जाएगी, 295 पंचायत समिति के सदस्यों की किस्मत का फैसला होना है आज। तो सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज धड़कने तेज है उन उम्मीदवारों की जिनकी आज किस्मत का फैसला होगा। तो चलिए आपको हम पंचायत चुनाव की बड़ी बातें बताते हैं। प्रदेश में कुल 3 चरणों में पंचायत चुनाव हुए। 33 जिला परिषद और 295 पंचायत समितियों के लिए चुनाव हुए। जिला परिषद और पंचायत समिति के कुल 7,225 सीटों पर फैसला आज सामने आएगा। कुल 18,733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। 9,000 से ज्यादा महिलाएं चुनाव मैदान में थीं। जिला परिषद के 18 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। पंचायत समिति के 112 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। तो आज सभी उम्मीदवार जो है उनकी धड़कन तेज है क्योंकि आज उनकी किस्मत का फैसला होना है। वहीं जिला परिषद के 18 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है और पंचायत समिति के 112 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन किया गया है। तो पंचायत चुनाव की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि कितने निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और 3 चरणों में ये चुनाव हुए थे। 33 जिला परिषद और 295 पंचायत समितियों के लिए वोटिंग हुई थी। जिला परिषद और पंचायत समिति कुल 7,225 सीटों पर फैसला आना है। कुल 18,733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। 9,000 से ज्यादा महिलाएं चुनाव मैदान में थी। तो प्रदेश में कुल 3 चरणों में ये चुनाव हुए थे। तो आज किस्मत का फैसला होना है उम्मीदवारों का और मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 9,000 से ज्यादा महिलाएं चुनाव मैदान में थी। जिला परिषद के 18 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। पंचायत समिति के 112 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। कुल 3 चरणों में पंचायत चुनाव हुए थे। 33 जिला परिषद और 295 समितियों के लिए पंचायत समितियों के लिए ये चुनाव किए गए थे जो आज मतगणना कर किस्मत का फैसला किया जाएगा। गांव में सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने जहां अपने मंत्री विधायकों और सांसदों को गांव में सरकार बनाने के लिए मैदान में उतार रखा है तो वहीं कांग्रेस के आला नेता भी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। प्रशासन ने भी मतगणना के लिए पूरी तैयारी कर ली है। यह रिपोर्ट देखिए। पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरे होने के बाद अब सभी जिलों में प्रशासन मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतगणना गुरुवार को सुबह 8 बजे से होगी। जहां ईवीएम के जरिए वोटिंग हुई है वहां नतीजे दोपहर तक आ जाएंगे।
जबकि जिन जिलों में मतपत्रों के जरिए चुनाव हुआ उनके परिणाम शाम तक सामने आएंगे। इस बार 16 जिलों में जिला परिषद सदस्यों के चुनाव ईवीएम से करवाए गए हैं और बाकी में बैलेट पेपर से वोट पड़े हैं। वहीं नतीजों के आने से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी ने बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। होटल और गेस्ट हाउस बुक कर दिए गए हैं, ऐशो आराम के सारे इंतजाम भी किए गए हैं, लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट भी बुक कराए गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के मंत्री, सांसद और विधायकों ने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं कांग्रेस के विधायक और आला नेता पूरे दमखम से जुट गए हैं। पार्टियों ने जिला प्रमुख और प्रधान के नामों पर राय शुमारी शुरू कर दी। दोनों पार्टियों की नजरें जिताऊ निर्दलियों पर ही टिकी हुई है। समाचार प्लस ने तीनों चरणों की वोटिंग के दौरान पल पल की खबर आपको दिखाई, हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई, आपको सबसे सटीक जानकारी दी। अब मतगणना में भी हम आपको सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे किसकी बाड़ेबंदी बेकार साबित होगी और किसकी बाड़ेबंदी बेड़ा पार लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो आज पंचायत चुनाव के लिए आज मतगणना किया जाएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, विक्रम राज पुरोहित इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। विक्रम, वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है? जी अमृता, बिल्कुल मतगणना की पूरी तैयारियां हो चुकी है और आपको मैं बता दूं कि कल रात से ही जिला कलेक्टर ने सभी जो राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज जो दो मतगणना केंद्र है वहां का जायजा लिया था, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था और 6:30 बजे से ही जो मतगणना अभी करता है वो राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में जो दो गेट बनाए गए हैं वहां से एक निश्चित दो गेट बना के पासेस जारी किए गए हैं। उन्होंने वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसके बाद संबंधित कमरों में वो पहुंचे हैं और कुल मिलाकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 बजे मतगणना शुरू होगी लेकिन उससे पहले सभी तैयारियां कर ली गई है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है कि माचिस, तंबाकू, ब्लेड या पेन ये भी अलाउ नहीं है अंदर। मतगणना अभी करता अगर एक बार रूम से बाहर चला जाता है तो उसको वापस आने की भी अनुमति नहीं होगी, एक दूसरे से बात करने की अनुमति नहीं होगी। ये सब व्यवस्थाएं की गई यहाँ पर और जो सामग्री होगी मतगणना से रिलेटेड वो वही कक्ष में मुहैया करवाई जाएगी। अलग अलग पासेस बनाए गए हैं और पुलिस का भारी जाप्ता है इन मतगणना केंद्रों पर और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 8 बजे के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। जी अमृता। विक्रम, अंदर प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या प्रक्रिया के तहत अंदर प्रवेश करना होगा? जी अमृता, बिल्कुल पासेस बनाए गए, हर किसी के अलग अलग कलर के पासेस हैं। जो मतगणना अभी करता है उनके लिए अलग कलर के पासेस हैं, मीडिया कर्मियों के लिए अलग कलर के पासेस हैं, सुरक्षा कर्मियों के लिए अलग कलर है। हर रंग के पास हैं जो जारी किए गए हैं जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से और जो मतगणना अभी करता है उनको उनके कक्ष तक अनुमति होगी। तो मीडिया के लिए भी कैमरा अंदर ले जाना और जो कुछ नियम होते हैं नियमानुसार सब कुछ कार्यवाही चल रही है। तो अभी मतगणना अभी करता अपनी अपनी जगह पर पहुंच रहे, 6:30 बजे से पहुंचना शुरू हो गए थे अंदर अपने अपने रूम्स में ताकि वो अपनी जगह संभाल लें और जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको अच्छे से समझ कर 8 बजते ही मतगणना का काम तुरंत शुरू कर दें। और समाचार प्लस पर हम पल पल सबसे ज्यादा तेज गति से सबसे सटीक खबरें पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे पंचायत चुनाव से जुड़ी। जी अमृता, तैयार लगभग पूरी हो चुकी है। जी विक्रम, यहाँ पर जो उम्मीदवार है जाहिर तौर पर वो भी अंदर जाएंगे, कितने लोग हैं जिनको अंदर जाने की अनुमति है, क्योंकि समर्थक भी काफी तादाद में यहाँ पर जुट जाएंगे? जी अमृता, पहले ही जैसे निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट कर दिया था कि मतगणना केंद्रों पर जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचेंगे, जनप्रतिनिधियों का आना जाना नहीं होगा। तो फिलहाल जो है मतगणना अभिकर्ता जो है मतगणना से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसे जैसे 8 बजेगी, 8 बजे के बाद हम आपको हर पल की अपडेट देते रहेंगे, जो जो दिन चढ़ेगा त्यों त्यों अपडेट मिलती रहेगी। जी अमृता। जी विक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। कोटा से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उसको लेकर नितिन से बात करेंगे। नितिन, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं मतगणना को लेकर? बिल्कुल, देखिए कोटा की अगर बात की है तो कोटा में जेडीबी कॉलेज जो है तो वहाँ पर मतगणना स्थल बनाया गया है, पूरी तरह से व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा आज सुबह 8 बजे से निर्वाचन विभाग की ओर से मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। 15 अलग अलग
कमरे बनाए गए हैं जहाँ पे जिला परिषद और पंचायत समिति की जो मतगणना मतदान हुआ था उनकी जो ईवीएम मशीन है उनको रखा गया है जहाँ पे मतगणना होगी। जी जी नितिन, यहाँ पर पोलिंग एजेंट को अंदर जाने की अनुमति होती है, उसके अलावा उम्मीदवार भी अंदर जा सकते हैं, तो कितने लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है? बिल्कुल देखिए, अगर अनुमति की बात की जाए तो जो पोलिंग एजेंट है उनके अलावा जो मतदाता जो जो प्रत्याशी है उनके जो कुछ समर्थक है जो कि मतगणना के दौरान उपस्थित रहेंगे, इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनके अंदर जाने की अनुमति मिली है। इसके लिए पास सिस्टम कोटा में रखा गया है, मीडिया कर्मियों के लिए भी इसके साथ पास की व्यवस्था की गई है। चेकिंग करने के बाद भी लोगों को अंदर जाने दिया गया है। इसके अलावा आम आदमियों के लिए साफ तौर से ये भी हिदायत की गई है कि किसी तरह की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग जो मतगणना केंद्र है उसके बाहर भी नहीं की जा सकती। जी जी नितिन, कितनी सीटें हैं और किस तरह के कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी में? बिल्कुल देखिए, अगर कोटा के जिला परिषद के लिए बात की जाए तो 23 सीटों के लिए मतदान यहाँ पे हुआ था। इसके अलावा पंचायत समिति अगर बात की जाए तो 5 अलग अलग पंचायत समितियों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें से कई जगह पर बिजनेस भी जो नामांकन की समय हुआ था उस समय चुनके आए थे। इसके अलावा जो जिला परिषद की अगर बात की जाए तो जिला परिषद में निर्विरोध अभी तक कोई कोटा के लिए कोटा में कोई भी अभी तक प्रत्याशी नहीं जीता है, तो उस समय 23 सीटों के लिए कोटा में मतगणना होगी। जी क्या लगता है, आज मतगणना होगी और रिजल्ट भी आ जाएगा, फैसला भी होगा, वहाँ के आम जो जनता है वहाँ से आपने बात कर वहाँ के लोगों से आपने बात करने की कोशिश की होगी, वो क्या उम्मीदें रखते हैं जो चुने हुए लोग चुनकर आएंगे उनके लिए, उनकी सरकार जो बनेगी? बिल्कुल देखिए, 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रुझान बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट होते जाएंगे। लेकिन गाँव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसी मुद्दे को लेकर और इसी इस तरह के प्रत्याशी को चुनने का जो लोगों ने कोशिश की कि जो कि जो गांव की सरकार हो वो बेहद ही साफ सुथरी हो और जो प्रत्याशी वो जीत के आए वो इस तरह का आए कि जो गांव का विकास कर सके, गांव के छोटे से लेकर बड़ी तक समस्या जो है उनका निराकरण आराम से हो सके। नितिन, जो उम्मीदवार मैदान में है जाहिर उनकी धड़कनें तेज हो गई होंगी, उनमें किस तरह की गहमा गहमी देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखिए, अगर कोटा की आपको बताना चाहूंगा, जरूर जिस तरह से मतगणना किसी देर मतगणना का कुछ समय का बाकी जो जिला परिषद की जो उनके लिए चुनाव हुआ था उनमें कहीं ना कहीं उनकी दर्शन जरूर बनी, लेकिन कोटा की अगर बात की जाए तो बाराबंदी यहाँ पे पहले ही कर ली गई थी और अलग अलग बैठकों को इसका काम सौंपा गया था। ऐसे में आज जो प्रत्याशी है उनके कोटा से बाहर होने की अभी तक जानकारी। जी नितिन, आपने उनसे बात करने की कोशिश की है कि अगर उनके हक में फैसला होता है, उम्मीदवारों से आपने बात की होगी, तो वो क्या कुछ करने वाले हैं वहां की जनता के लिए? लगता है हमारा संपर्क खत्म हो गया है, हमारे संवाददाता से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आज मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जाहिर है जो मैदान में उम्मीदवार है उनकी धड़कनें काफी तेज है, तो 33 जिला परिषदों के लिए मतगणना की जाएगी। 9000 से ज्यादा महिलाएं चुनाव मैदान में थी। जिला परिषद के 18 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन जाहिर हो चुका है, वहीं 112 सदस्य जो है पंचायत समिति के उनका भी निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराई गई थी और आज मतगणना है, तो यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पोलिंग जो पार्टियां हैं वो पहले रवाना हुई थी जब चुनाव कराने थे और अब यहां पर मतगणना के लिए अधिकारी पहुंचे हुए हैं। सभी लोगों के लिए अलग अलग पासेस बनाए गए हैं, मीडिया को भी इजाजत दी गई है। अंदर प्रवेश के लिए सिर्फ उम्मीदवार जा सकता है और जो पोलिंग एजेंट है वही अंदर प्रवेश कर सकता है। समर्थक जाहिर है काफी तादाद में बाहर ही रुकेंगे, उनको भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आज बेसब्री से इंतजार है रिजल्ट का और सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे दिन निकलेगा रुझान साफ होते नजर आएंगे। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और समाचार प्लस लगातार आपको अपडेट करता रहेगा, सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएगा और जो 3 चरणों में चुनाव हुए थे उसकी भी पल पल की खबर दी थी समाचार प्लस ने और आज मतगणना की जाएगी। तो पीयूष विक्रम राजपुरोहित और नीरज हमारे साथ तीनों जुड़ गए हैं और सबसे पहले पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी?
देखिए सुरक्षा की अमृता जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस समय मौजूद है कॉमर्स कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज में जयपुर जिला परिषद जो जयपुर में पंचायत समिति आने वाली उसको लेकर जो मतगणना है वो की जाएगी। कॉमर्स कॉलेज में 8 जो पंचायत समितियां है उसके अंदर आने वाले वार्डों की जो मतदान हुआ था जिसमें उसकी गिनती की जाएगी। 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। सुरक्षा की कभी बात की जाए तो आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा, जो मेन गेट है कॉमर्स कॉलेज में प्रवेश का वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मेटल डिटेक्टर वहां पर लगाया गया, जो भी व्यक्ति अंदर प्रवेश ले रहा है चाहे वो एजेंट हो पोलिंग पार्टी का या फिर अपने जो राजनीतिक पार्टियों का जो एजेंट हो, उनकी सघन जांच के बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही पूरी चेकिंग की जा रही ताकि कोई अंदर मोबाइल या अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो अंदर प्रवेश न कर पाए। इसके अलावा मैं सड़क पे दिखाऊंगा कि सड़क पे जो भीड़ लगी हुई है, क्योंकि आज काफी 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है, लेकिन उसके पहले जो एजेंट है अलग अलग राजनीतिक दलों के जो एजेंट है, अलग अलग प्रत्याशियों के जो एजेंट है, वो अंदर प्रवेश लेंगे और 8 बजे एग्जिट जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी अमृता। और कहीं ना कहीं सुरक्षा की कभी बात की जाए तो काफी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है ताकि कोई भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर घटित ना हो। जी अमृता जी, नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, वहां पर आप पल पल की जानकारी देते रहे हैं, आप अपनी नजर भी बनाते रहे हैं। 3 चरणों में चुनाव हुआ था तब भी आपने लगातार जानकारी दी थी, वहां पर अभी किस वक्त किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? संग्रहण कक्ष के सामने पहुंचे 7:30 बजे से संग्रहण कक्ष। देखिए मैं इस वक्त जयपुर के राजस्थान कॉलेज के बाहर खड़ा हूं, चूंकि चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और आज मतगणना का दिन है, यानी कि आज जो जो 18,000 से ज्यादा जो मत पड़े हैं उनका भाग्य जो है प्रत्याशियों का वो आज सामने आएगा। 16 जिलों के अंदर ईवीएम से मतगणना जो थी वो की जाएगी। इसके अलावा अन्य जो 17 जिले हैं उनके अंदर बैलेट पत्रों के माध्यम से मतगणना होगी, उनमें समय लगेगा, लेकिन जो ईवीएम के माध्यम से उनके परिणाम जल्दी आएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो काउंटिंग है उसकी प्रक्रिया 8 बजे से शुरू होगी। इससे पहले जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनका अंदर जाना शुरू हो गया है, इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो भी अंदर जा रहे हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतगणना आज हो रही है। पूरे प्रदेश के 33 जिलों के 996 और 6,124 पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए जनवरी में 3 चरणों में यह मतदान हुआ था और जो 996 और 6,124 जो ये पंचायत समिति के सदस्य हैं, 996 जिला परिषदों के सदस्य हैं, इनका आज भाग्य का फैसला हो जाएगा। 18,000 से ज्यादा प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद है। प्रदेश के 16 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के जरिए जबकि 17 में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराया था। दूसरी ओर हम देखें एक एक को यहां पर एंट्री दी जा रही है, वो बकायदा इनके पास चेक करके दी जा रही है। सुरक्षा के भी माकूल व्यवस्था है। काफी लंबी सारी एक जो लाइन है वो राजस्थान कॉलेज के बाहर लग रही है। यहां पर जो तमाम जो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो खुद यहां मौजूद है। इसके साथ ही इनके जो जो कैंडिडेट्स के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो जा रहे हैं। काफी एक जोश है ग्रामीण सरकार के लिए। जयपुर जिले की बात करें तो मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जिला परिषद के 51 सदस्य हैं और 15 पंचायत समितियों के 385 सदस्यों के लिए चुनाव की मतगणना कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में हो रही है। मैं जिस वक्त खड़ा हूं राजस्थान कॉलेज के बाहर, यहां कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा, आमेर, जालसू, पावटा, झोटवाड़ा पंचायत क्षेत्र के जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना हो रही है। राजस्थान कॉलेज के 15 कक्षों में 169 टेबल यहां पर लगाई गई है, जबकि कॉमर्स कॉलेज में गोविंदगढ़, सांबरलेक, दुदू, फागी, चाकसू, बस्सी, सांगनेर और जम्वारामगढ़ पंचायत समिति के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना हो रही है और वहां पर 17 कक्षों में 216 टेबल लगाई गई है। आपको बता दें अमृता कि 46,867 पंच निर्विरोध पहले ही निर्वाचित हो चुके हैं। 1,07,707 वार्ड पंच में से, जबकि निर्विरोध सरपंच जो है वो 260 उनकी संख्या है। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा व्यवस्था भी यहां मजबूत है और सभी को अब इंतजार है इन ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधियों को कि जल्द से जल्द इनके जो नतीजे हैं वो सामने आए। जैसे ही 8 बजते ही मतगणना शुरू होगी, समाचार प्लस राजस्थान सबसे पहले जो परिणाम है उनके आंकड़े हमारे दर्शकों के सामने रखेगा और जल्द से जल्द बताएगा कैसे ईवीएम के जरिए यहां पर काउंटिंग होती है, उसके बाद परिणाम आते हैं। सबसे पहले समाचार प्लस राजस्थान अपने दर्शकों के लिए जो परिणाम है वो आज लेकर के आएगा। अमृता जी, विक्रम भी जुड़े हुए हैं। विक्रम, वहां पर आप क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी अमृता, बिल्कुल जिस तरह से हम अपडेट दे रहे हैं, नीरज, पीयूष सबने अपनी जानकारी दी है राजस्थान कॉलेज के बाहर से।
कॉमर्स कॉलेज के बाहर से खड़े हैं और पूरे राजस्थान में सभी जिलों में चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता आज इस पल की अपडेट देते रहेंगे, पूरे एक एक गतिविधि की अपडेट देते रहेंगे मतगणना की। और जैसा कि हमने तीनों चरणों की अपडेट दी है समाचार प्लस के दर्शकों के लिए, तो पूरे दिन में अब मतगणना की जो है तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है, मतगणना के लिए बस अब कुछ ही समय बाकी रहा है। तो मतगणना से जुड़ी हुई हर पल की खबर हम बहुत जल्द तथ्यों के साथ सटीक और समय पर पहुंचाते रहेंगे दर्शकों के लिए। तो कुल मिलाकर समाचार प्लस तैनात है, हम सब तैनात हैं पल पल की खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जी अमृता जी, पीयूष आपके पीछे थोड़ी देर पहले हमने देखा काफी लोगों का हुजूम दिखा था, लोगों से आप बात करके हमें बताइए कि क्या कोई जो आज मतगणना की जा रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर आज उनको बेसब्री से इंतजार है कि जब ईवीएम खुलेगा तो क्या नतीजा सामने आएगा, उनके जो समर्थित प्रत्याशी है उनका नतीजा क्या रहेगा। आप बताएं, काफी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी, क्या उम्मीद करते हैं, किस प्रकार के रिजल्ट की उम्मीद करते हैं आप? रिजल्ट बीजेपी के रिजल्ट की तैयारी करिए, सीटें बीजेपी की ज्यादा निशनी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा ख्याल तो यह है पूरा। आप बताएं, आप काफी देर से यहाँ पर खड़े हुए, क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि 8 बजे जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी, माहौल देखकर ऐसे लग रहा है काफी संख्या में जो एजेंट यहाँ पर मौजूद है अलग अलग दलों से जुड़े अलग अलग प्रत्याशी? 8 बजे के समय नहीं हो पाएगी, समय ज्यादा लगेगा। नहीं, 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना, क्या उम्मीद करते हैं आप, क्योंकि जिस प्रकार का अब तक का ट्रेंड रहा है राजस्थान का ग्रामीण इलाकों का, उसको देखते हुए आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद कैसे कि किस प्रकार का रिजल्ट रहेगा? सर अभी तो जो सर्वे लहर उसके अकॉर्डिंग तो मोदी के अकॉर्डिंग चलेगी सर, जब तक हमारे तरफ है 99% तो बीजेपी में गए हैं वोट। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है? सर पहले 10 साल से कांग्रेस ही राज हो रही, लेकिन किसी प्रकार से कोई समस्या का निवारण नहीं होने की वजह से बीजेपी को दिया गया सभी ने वोट। जो 13 महीने का कार्यकाल है वसुंधरा सरकार का, वो इन चुनाव में प्रभाव डालेगा? हाँ सर, बहुत वोट डालेगा सर, उसमें हर चीज उन्हीं से मिलेगी वोट, जो मिलेगा जो अपने को वोट। तो साफ तौर पे हमने तो आप सुन सकते हो ये यहाँ पर ये लोग थे अलग अलग प्रत्याशियों के एजेंट थे, साफ तौर के अलग अलग चूंकि राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं इसलिए इनकी जो विचारधारा है वो उसके अनुसार उन्होंने आज अपना बयान भी दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तय है कि वसुंधरा सरकार के पिछले 13 महीने के जो कार्यकाल है उसका आकलन आज जब ईवीएम की मशीनें खुलेगी उसके बाद हो जाएगा। पीयूष जो आपके पीछे लोग हैं उनसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, अगर किसी के भी हक में फैसला आता है तो जो उनके जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे गांव की जो सरकार बनेगी उनसे वो क्या चाहते हैं, उनकी समस्याएं क्या है? जी हम बात करेंगे कुछ लोगों से, आप बताए, चूंकि आज जो फैसला जो भी आएगा किसी के भी पक्ष में आएगा जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाएगा, आप क्या उम्मीद करते हो कि किस प्रकार का वो काम करे, क्योंकि अब तक ग्रामीण इलाके के हालात आपने देखे हैं? बिल्कुल हाँ, मैंने देखे हैं गांव ग्रामीण में सड़कें टूटी हुई है, काफी रोड वगैरह सब खराब हुए हैं, पूरा बुरा हाल है, लेकिन जो भी कैंडिडेट जीत के आएगा वो काम कराएगा। तो मतलब क्या उम्मीद है आपको कि वो काम कराए, इसी आधार पे आपने भी चुनाव? काम कराएगा, इसी आधार पे चुनाव हमने। बताए आपको क्या लगता है किस प्रकार की सोच है, क्योंकि प्रत्याशी जो भी सामने निकल कर आएगा किस प्रकार की मूलभूत आवश्यकता है आपको चाहिए ग्रामीण इलाकों में जो अब तक नहीं मिल पाई, जैसे हॉस्पिटल हुआ, पानी की टंकी है, शमशान घाट है, ये लोग बसे नहीं है, तो रोडे टूटी फूटी है, तो क्या कि बीजेपी सरकार से इसकी लहर ये है, तो इसके हिसाब से इसी की आएगी सरकार भी, अब की ये रिजल्ट भी बीजेपी सरकार के पास ही ज्यादा आएगा। आप बताए साहब, भाई जो पहले का काम बाकी बढ़ा है, जैसे हॉस्पिटल हुआ, रोड हुई, सड़कें हुई, ग्रामीण बस उनके अंदर क्या मूलभूत सुविधा नहीं है, तो बार बार बैठे बैठे स्कूल नहीं है, तो उस वजह से पूरा काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो इस बार का आपका जनप्रतिनिधि रहेगा जिसको ग्रामीण इलाकों के लिए आपने चुना है, गांव की सरकार जो चुनेगी वो ये काम कराए। भाई सर घोषणा पत्र में तो उन्होंने यही दिया है कि भाई जो भी आपकी मूलभूत सुविधाएं पहले 10 साल में नहीं वो अबकी बार हम पूर्ण रूप से करवाएंगे। तो साफ तौर पे हमने तो आप सुन सकते हो काफी उम्मीद है, नव जो भी निर्वाचित होने वाले हैं जनप्रतिनिधि उनको लेकर उम्मीद है कि जो वोट उन्होंने डाला है वो वोट काम ना आए और ग्रामीण इलाकों में जो विकास की गंगा अब तक नहीं बह पाए, जो कमी रह गई है उसको वो पूरी करे। जी अमृता, नीरज आपके पास वहाँ भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों से आपने बात करने की कोशिश की होगी, लोगों का नब्ज टटोला होगा, लोग क्या चाहते हैं वहाँ की सरकार से, अगर गांव की जो सरकार चुनी जाएगी उससे वो किस तरह से उम्मीद रखते हैं? नीरज क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा नीरज से। विक्रम आपने लोगों से बात की होगी? जी अमृता जी 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 नीरज
जी आपने लोगों से आपने लोगों से बात की होगी, लोगों के नब्ज सेट होने होंगे आपने। देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके जो कैंडिडेट्स हों गांव के विकास करने वाले जो कैंडिडेट हों वो हों, चाहे अगर पंचायत समिति सदस्यों की बात करें चाहे जिला परिषद के सदस्यों की बात करें, वो चाहते हैं जिस तरीके से गांव की जो सरकार बननी है उसमें गांव का जो विकास होना है। आज भी राजस्थान के गांव के अंदर जो सड़कें हैं वो भीतरी इलाकों अंदर कच्ची सड़कें हैं, पानी भरा रहता है, जल जमाव की समस्या रहती है, इसके अलावा जो हाइजीन है वो खत्म होता जा रहा है गांव के अंदर, मच्छर मक्खियां पनपते हैं, इसके अलावा रोग जो है वो हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग चाहते हैं डिस्पेंसरी हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो और चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ हो, शिक्षा की स्थिति के अंदर सुधार आए। इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो अन्य जो समस्याएं हैं उनका निपटारा होना चाहिए, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे बीज और खाद की व्यवस्था हो। ग्रामीण जनता चाहती है कि उनका ऐसा जनप्रतिनिधि चुनकर के आए जो उनकी समस्याओं के अंदर उनका साथ दे और सरकार तक उनकी आवाज को पहुंचाए। और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे। ये बताइए ग्रामीण जनता क्या चाहती है, कैसे जनप्रतिनिधि होने चाहिए? ग्रामीण जनता चाहती है कि उनकी बात सुनने वाला, हमेशा उनके बीच में रहने वाला, और जो विकास के काम अधूरे हैं, देश में लगभग 6000 एमएलए एमपी हैं जो विकास नहीं कर पाते गांव का, इसलिए पंचायत राज संगठन का गठन हुआ और आज पंचायत राज जनप्रतिनिधि वो जो गांव के छोटे छोटे इश्यूज हैं, छोटे छोटे काम है वो खुद करवा सके बीच में। आप कहां से हैं और क्या इश्यूज रहते हैं गांव के? मैं गांव की सफाई व्यवस्था और विकास के कामों को ज्यादा महत्व देता हूं, और जो ग्रामीण जनता जो नए सरकार के विकास कार्य को वहां तक पहुंचाने की बात करता हूं। तो विकास की जो बात है वो गांव के अंदर कही जा रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास है वो आज भी काफी पिछड़ा हुआ है। देश के शहरों का तो विकास हुआ लेकिन जहां 70% से ज्यादा आबादी बस्ती है उन गांवों के अंदर विकास आज भी कहीं ना कहीं दूर रह गया है। जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की जो नींव है वो रखी थी, और सबसे पहले राजस्थान के नागौर से ही पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण शुरू किया गया था, लेकिन आज वही नेहरू की विचारधारा पीछे रह गई और पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण जिस ढंग से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो बात है वो कही जाती है, शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है वो होना चाहिए और अधिकार आने चाहिए पंच सरपंचों के, ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के हाथों में। लेकिन यही सबसे बड़ी विडंबना रही कि जो भी पार्टियां आई उन्होंने सिर्फ सत्ता भोगने पर ज्यादा ध्यान दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास होना चाहिए था, जो ग्राम स्वराज की स्थापना की बात महात्मा गांधी ने कही वो सफल नहीं हो सकी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। नीरज आप हमसे हमारे साथ जुड़े, पीयूष और विक्रम आप तीनों नजर बनाए रखे मतगणना पर, हमें पल पल की जानकारी देते रहिए। तो अब जो है मतगणना शुरू हो जाएगी 8 बजे से, और बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से जहां पर स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। 13 और मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, एक और महिला की स्वाइन फ्लू से मौत हुई है। पिछले 4 दिनों में 35 नए मामले सामने आए हैं। स्वाइन फ्लू के 4 दिनों में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत हुई है। जनवरी से अब तक 65 लोग स्वाइन फ्लू के शिकार हुए हैं। 7 लोगों की स्वाइन फ्लू से हो चुकी है मौत। स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू को रोकने में नाकाम रहा है, तो लगातार दावे किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन स्वाइन फ्लू की वजह से लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है और लोगों में जो पॉजिटिव लक्षण है वो लगातार पाए जा रहे हैं।